उत्तर प्रदेश में हुए मनीषा गैंगरेप मामले में न्याय के लिए आज नागपुर शहर के गोलीबार चौक में राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस द्वारा एक आंदोलन किया गया, जिसमें उन्होंने मनीषा के हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने आंदोलन करते समय बहुत सी बातें सामने लाई। देश में आए दिन गैंगरेप और हत्या के कई दिल दहला देने वाले मामले सामने आए हैं, जिसमें एक और नाम जुड़ गया। मनीषा को न्याय दिलाने के लिए नागपुर के राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस ने आंदोलन किया। आयोजित आंदोलन जिलाध्यक्ष रवि पराते के मार्गदर्शन में किया गया। इस आंदोलन में उन्होंने मनीषा और उनके परिवार के लिए न्याय की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है, यह भाजपा सरकार की लाचारी का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने राम मंदिर तो बना लिया, लेकिन वहां सीता अब भी सुरक्षित नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी को जल्द से जल्द राजीनामा दे देना चाहिए। ये सारी बातें करते हुए उन्होंने भाजपा के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई और मनीषा को न्याय दिलाने के लिए मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, ऐसे अलग अलग नारे भी लगाए। इस देश में, इस राज्य में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक 19 साल की लड़की का बलात्कार हो जाता है और वहाँ की पुलिस कोई भी तुरंत में एक्शन नहीं लेती और आधी रात को उसके शव को जलाया जाता है। ये देश में निंदनीय घटना है और इसलिए इस निंदनीय घटना को अपने ध्यान में लेते हुए इसका आज हम लोग यहाँ पर इस आंदोलन में उनके साथ प्रमुखता से उपस्थित राकापा नागपुर शहर वरिष्ठ उपाध्यक्ष नूतन रेवतकर, मध्य नागपुर राकापा अध्यक्ष मिलिंद मानापुरे, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस महासचिव सौरभ मिश्रा, राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस के अध्यक्ष आशीष आवड़े के साथ अन्य कई लोग उपस्थित थे। NBC न्यूज के लिए दीपिका धनेश्वर की रिपोर्ट।